नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि जीएफ चैप्टर 2 ने अपने 15 दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। साथ ही दोस्तों इस फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आज दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है, जिसमें एक हीरोपंती 2 तथा दूसरी अमिताभ अजय की फिल्म रनवे 34 है। तो दोस्तों इन फिल्मों के रिलीज होने से केजीएफ चैप्टर 2 के कलेक्शन में कितना ड्रॉप आने वाला है, कितना फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता का सिलसिला अभी भी जारी है और दोस्तों ये फिल्म नित्य नए रिकॉर्ड बना रही है, पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। दोस्तों इस फिल्म का क्रेज अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों जहां तक 15 दिन की बात करें तो 15 दिन इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में करीब 5.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म के 15 दिनों का हिंदी नेट कलेक्शन हो जाता है 348.68 करोड़ रुपए, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यह फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिनमें दोस्तों संजू पीके टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में भी शामिल है। दोस्तों जहां तक इसके टोटल जो वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करें, टोटल वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करें, तो ये करीब 682.80 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो दोस्तों ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके इंडिया ग्रोस कलेक्शन की बात करें कि 15 दिनों में इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया है, तो दोस्तों ये ग्रोस कलेक्शन करीब हो गया है 805 करोड़ रुपए। मतलब दोस्तों 800 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म ग्रोस कलेक्शन के मामले में, इंडिया ग्रोस कलेक्शन के मामले में भी पार कर चुकी है। और दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन। दोस्तों 15 दिनों का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो गया करीब 972 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब भी ये फिल्म 1000 करोड़ से केवल 28 करोड़ रुपए दूर है। दोस्तों लगता है कि शनिवार रविवार तक, मैक्सिमम संडे तक ये फिल्म हो सकता है कि 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के आंकड़े को पार कर ले और दोस्तों उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो जाए जिनमें बहुत कम फिल्में पहुंच पाती है। दोस्तों अब तक मात्र 3 फिल्में ही 1000 करोड़ क्लब के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिनमें दोस्तों आमिर खान की फिल्म दंगल और एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 तथा आरआरआर शामिल है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये फिल्म इस आंकड़े को पार कर पाती है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आज दो फिल्में रिलीज हुई है, हीरोपंती 2 तथा रनवे 34। तो दोस्तों इन फिल्मों के रिलीज होने से डेफिनेटली केजीएफ चैप्टर 2 के कलेक्शन में ड्रॉप आने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि दोस्तों काफी सारे स्क्रीन्स अब रनवे 34 तथा हीरोपंती 2 को अलॉट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों फिर भी ये फिल्म आज भी ज्यादा कलेक्शन में ड्रॉप आएगा ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा। कल जहां इसका नेट कलेक्शन करीब 9.5 करोड़ रुपए रहता, वहीं दोस्तों आज भी ये फिल्म करीब 7 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन भारत में करने जा रही है। तो दोस्तों ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा ड्रॉप अभी भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिल रहा है। जो इस फिल्म की लोकप्रियता तथा इस फिल्म का कितना जबरदस्त क्रेज है, उसकी ओर इशारा करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। Take care.